Good morning students, today we will read chapter number 2, class 5, identify yourself not others, खुद को पहचानिए दूसरों को नहीं। तो चलिए एक छोटी सी स्टोरी है, रीड करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है, there lived a kind hermit on the बैंक ऑफ अ रिवर, एक नदी के किनारे एक दयालु ऋषि रहते थे। हर्मिट का मीनिंग होता है ऋषि, बैंक ऑफ रिवर का मीनिंग होता है नदी का किनारा। हिज नेम वॉज हरिदत्ता, और उनका नाम था हरिदत्त। ही हैड मैनी डिसिपल्स, और उनके बहुत सारे शिष्य भी थे। डिसिपल्स मीन्स शिष्य। ही टॉट मैनी थिंग्स टू हिज डिसिपल्स, और वो अपने शिष्यों को बहुत सारी चीजें सिखाते थे। ही वॉज अ वेरी काइंड हर्मिट, और वो एक बहुत ही दयालु ऋषि थे। ही लव्ड नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, वो सिर्फ व्यक्तियों से ही नहीं बल्कि बट ऑल्सो द बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो पशु पक्षियों से भी प्यार करते थे। ऑल द एनिमल्स लिव्ड फ्रेंडली, और जितने भी जानवर थे वो सभी बहुत प्यार से रहते थे। द लॉयन एंड द काउ लिव टुगेदर, और लॉयन काव एक साथ रहते थे, उनमें इतना प्रेम हो गया था कि बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए, नो वन हार्म अनदर, बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए सभी जानवर एक साथ रहते थे। द हर्मिट एंड हिज डिसिपल्स यूज्ड टू गो टू टेक बाथ इन द नियर बाय रिवर एवरी डे, और जो हर्मिट थे और उनकी जितनी भी डिसिपल्स थे वो सभी अपने पास की रिवर में रोज डेली नहाने के लिए जाते थे। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, द हर्मिट वॉज टेकिंग बाथ इन द रिवर, और एक दिन सुबह जो साधु थे वो नदी में नहा रहे थे। ही सा अ स्कॉर्पियन इन अ हेल्पलेस कंडीशन इन द वॉटर, स्कॉर्पियन मीन्स होता है बिच्छू। तो जब साधु जी नदी में नहा रहे थे, उन्होंने देखा एक बिच्छू को जो कि हेल्पलेस कंडीशन में था पानी में। द स्कॉर्पियन वॉज फ्लोटिंग इन द रिवर, और वो पानी पर तैरते हुए उनको दिख रहा था। It seemed that the scorpion was about to drown, और उनको लगा कहीं ये scorpion डूब के ना मर जाए। The kind-hearted hermit thought to save the scorpion, और जो दयालु ऋषि थे उन्होंने उस बिच्छू को बचाने के लिए सोचा। तो देखिए आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये जो हर्मिट है बहुत ही दयालु व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। इन्होंने एक बिच्छू को बचाने की कोशिश की, और उनके जितने भी डिसिपल्स थे वो सभी बैठकर देख रहे थे। तो क्या हुआ, चलिए आगे पढ़ते हैं। थिंकिंग इट फॉर अ मोमेंट, और उन्होंने इसके लिए सोचा। ही टूक द स्कॉर्पियन इन हिज हैंड, और उन्होंने बिच्छू को अपने हाथों में उठा लिया। बट द स्कॉर्पियन स्टंग इन हिज फिंगर, और जो बिच्छू था उसने हर्मिट के फिंगर्स पर स्टंग किया। स्टंग का मीनिंग होता है डंक मारना, तो बिच्छू ने साधु जी के फिंगर्स पर डंक मार दिया। ही क्राइड विद द पेन एंड ड्रॉप्ड द क्रिएचर इन टू द वाटर, और जब बिच्छू ने साधु जी को स्टंग किया, डंक मारा, तो वो बहुत तेजी से चिल्लाया क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, और उन्होंने उस बिच्छू को फिर से पानी में छोड़ दिया। बट गॉट इवन अ शार्पनर
स्टिंग हिज टाइम द स्कॉर्पियन वॉज अगेन बैक इन टू द वॉटर, और उन्होंने दोबारा से उस बिच्छू को निकालने की कोशिश की, लेकिन दोबारा भी उस बिच्छू ने क्या किया, उनको डंक मारा, फिर से वो पानी में कूद गया। द हर्मिट डिड नॉट स्टॉप, और जो साधु थे वो इस काम को करते करते रुक नहीं रहे थे, नॉट केयरिंग फॉर द स्टिंग एंड द पेन, और उन्होंने अपने डंक की और अपने दर्द की परवाह ना करते हुए ही थर्ड टाइम अटेम्प्ट टू टेक द स्कॉर्पियन इन हिज हैंड, और उन्होंने तीसरी बार भी उस बिच्छू को निकालने की कोशिश की, जबकि उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने दर्द की परवाह नहीं की और उस बिच्छू को निकालना स्टार्ट कर दिया एंड गॉट इट्स आउट सक्सेसफुली। और जो साधु थे उन्होंने उस बिच्छू को तीसरी बार में सक्सेसफुली बाहर निकाल लिया। ही देन पुट इट ऑन अ ड्राई लैंड, और उन्होंने उस बिच्छू को एक ड्राई स्थान पर छोड़ दिया। ऑल हिज डिसिपल्स वर वॉचिंग दिस इंसिडेंट फ्रॉम नियर बाय, और उनके जितने भी शिष्य थे वो सभी पास में बैठकर इस इंसिडेंट यानी कि घटना को देख रहे थे। वन ऑफ हिज डिसिपल वॉज गोविंदा, उसमें से एक डिसिपल था जिसका नाम था गोविंदा। ही वॉज ग्रेटली पजल्ड, और वो बहुत ज्यादा पजल्ड हो गया बिकॉज ऑफ द हर्मिट एक्शन, उन्होंने साधु के एक्शन को देखकर। ही सैल्यूटेड द हर्मिट एंड सेड, और जो गोविंदा था उसने हर्मिट को, साधु को प्रणाम किया और कहा, ओ होली मैन, व्हाई डिड यू सेव द विक्ड स्कॉर्पियन व्हेन इट स्टंग यू अगेन एंड अगेन। और गोविंदा ने अपने गुरुजी से पूछा कि आपको ये बिच्छू बार बार डंक मार रहा है, इसके बावजूद भी आपने इसको क्यों बचाया। द हर्मिट स्माइल एंड सैड, साधु ने स्माइल करते हुए बोला, माई सन लिसन, मेरे बच्चे सुनो, द स्कॉर्पियन स्टंग मी, बिच्छू ने मुझे डंक मारा, इट वॉज इट्स हैबिट, वो उसकी हैबिट है, आई सेव्ड इट, इट वॉज माई हैबिट, और मैंने उसे बचाया, ये मेरी हैबिट है। वी शुड ट्राई टू डू गुड इवन टू दोज हु डू बैड फॉर अस, हमें उनके लिए भी अच्छा करना चाहिए जो लोग हमारे लिए बुरा करते हैं। ओनली बाय लव एंड काइंडनेस कैन वी विन ओवर अदर्स, और हेटर्स ब्रीड्स हार्ट हेटर, और अगर हम ऐसा करते हैं जो हमसे नफरत करते हैं, हम उनका दिल भी जीत सकते हैं। लिसनिंग द आंसर ऑफ हर्मिट, और जो गोविंदा था ऋषि जी का आंसर सुनकर ऑल द डिसिपल्स वर सरप्राइज्ड वेरी मच, वो सभी गुरु जी का आंसर सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। द डिसिपल्स लर्न्ड अ न्यू लेसन्स फ्रॉम देयर टीचर्स वर्ड, और जितने भी शिष्य थे उन्होंने आज एक नई शिक्षा ग्रहण की थी। दे प्रॉमिस्ड टू रिमेम्बर दीज वर्ड्स, और उन्होंने अपने गुरु जी से प्रॉमिस किया कि वो ये इन वर्ड्स को कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, क्या सिखाया था उनके गुरु ने, उनके गुरु जी ने सिखाया कि अगर जो व्यक्ति आपके साथ बुरा करता है, आपको उसके साथ हमेशा अच्छा करना है, आप अच्छा करके भी उस बुरे व्यक्ति का दिल जीत सकते हैं।